हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो फ्रॉम दिस वीडियो हम हमारे प्लेयर की यूआई को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो अब एक्चुअली जो हमारा प्लेयर है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स है जो हमें एक्सो प्लेयर प्रोवाइड करता है। बट हम ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे खुद के कुछ कस्टम कंट्रोल्स हो। सो एक्चुअली मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ प्लेयर यूआई। सो यहाँ पे ऐसे कुछ बटन्स होने चाहिए, एंड यहाँ पे ये जो हमारा टाइमिंग बार है वो कुछ इस हिसाब से शो होना चाहिए, एंड उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन बटन एंड एक्सेट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स, लॉक बटन। सो हमें एक्चुअली इसे इसमें कन्वर्ट करना है। सो इसे करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो से हम वो प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्ट्रिंग्स में आ जाओ एंड ये दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर लो, क्योंकि इनका हम यूज़ करने वाले हैं। एंड उसके बाद एक हमारे प्लेयर के अंदर इशू है कि जब हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं हमारे प्लेयर की, तो वो रीस्टार्ट हो जाता है, मीन स्टार्टिंग से प्ले होना शुरू हो जाता है। सो उसके लिए हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में कुछ सिंपल से एट्रीब्यूट सेट करने हैं हमारे प्लेयर एक्टिविटी के लिए। सो सिंपली कोलैप्स एम्प्टी टैग, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िग चेंजेस, एंड यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ऑटोमेटिकली गूगल हमारे लिए हैंडल कर लेगा। सो सबसे पहला यूआई मोड, विच मीन्स डार्क एंड लाइट थीम्स, एंड उसके बाद ओरिएंटेशन। सो पोर्ट्रेट से अगर अभी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली गूगल हैंडल कर लेगा और हमारा प्लेयर रीस्टार्ट नहीं होगा। एंड उसके बाद एक दो और यूज़ कर सकते हैं हम लोग, स्क्रीन साइज का यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद लेट्स से स्क्रीन लेआउट का भी यूज़ कर लेता हूँ। एंड फिलहाल के लिए इतने बहुत है, ये हमारे लिए प्रॉपरली हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आर एक्टिविटी प्लेयर, एंड एक्चुअली हमें इसे डिज़ाइन करना है। सो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो इसे डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक्चुअली एक्सो प्लेयर के व्यू का थोड़ी सी हेल्प लेने वाला हूँ। सो सिंपली ये एंड्रॉयड टैब से प्रोजेक्ट टैब में शिफ्ट हो जाओ, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे आपकी जितनी भी एक्सटर्नल इंपोर्टेड लाइब्रेरीज है वो शो करती है। सो इसके अंदर आपको एक्सो प्लेयर फाइंड करना है। नाउ एक्सो प्लेयर, एंड यहाँ पे एक्सो प्लेयर यूआई करके दिखाई दे रहा है। सो जस्ट एक्सपांड इट, एंड यहाँ पे रिसोर्सेस, एंड आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, उनमें से हमें सिर्फ लेआउट्स चाहिए एंड दिस एक्सो प्लेयर कंट्रोल व्यू। सो ये वो लेआउट है जो एक्चुअली हमें अभी शो होता है। इसे मैं लेट्स से चेंज करता हूँ यहाँ से लैंडस्केप में, एंड आपको दिखेगा ये एक्चुअली जो हमारा करंट लेआउट है वही है। यहाँ पे नीचे प्लेयर, ये सारे बटन्स। ओके, सो मैं इसी लेआउट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सो सिंपली पहले मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। सो आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी, एंड मैं प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड हायरार्की में शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि वो सिंपलर है थोड़ी सी। एंड यहाँ लेआउट्स के ऊपर मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ। सो कस्टम अंडरस्कोर कंट्रोल अंडरस्कोर व्यू। ओके, सो ये हमारा एक्सोप्लेयर का कंट्रोल व्यू हो जाएगा, एंड आप इसे आराम से देख सकते हो। एंड मैं कुछ कोड्स यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट्स। ओके, एंड आफ्टर दैट ऑल राइट। सो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है इनकी आईडीज। आप इनकी आईडीज चेंज ना करो तो अच्छा है। ओके, क्योंकि अगर आप आईडीज चेंज करोगे तो इनकी फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। सो डैट्स वाई इनकी आईडीज इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से मैं सारे बटन्स हटाना चाहता हूँ, मैं खुद के बटन्स इंप्लीमेंट करूँगा। सो मैं सारे बटन्स यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। सो मैं लीनियर लेआउट को कोलैप्स करता हूँ, एंड इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके, एंड आप देखोगे सारे बटन्स हट चुके हैं। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर और कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वाला, सो ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि पैरेंट यूजलेस है, पर फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से ये लेआउट डायरेक्शन, जस्ट रिमूव दिस, एंड ये API 28 रिमूव दिस, एंड उसके बाद ऑल राइट इसे भी हटा सकते हैं हम लोग। एंड उसके बाद ये जो कलर है मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 42 यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट ब्लैक। एंड नाउ मैं इसके साथ वर्क करना चाहता हूँ। सो ये एक्चुअल में जो है ये हमारा वो सीक बार एंड प्रोग्रेस बार है एक्सो प्लेयर का। सो ये जो है एक्सो प्लेयर पोजीशन, ये वो बताता है कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन का टेक्स्ट व्यू है, एंड ये उसकी एंडिंग पोजीशन का टेक्स्ट व्यू है, एंड ये जो है वो एक्चुअल का मिडल वाला हमारा सीक बार है या प्रोग्रेस बार है। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। इसकी आईडी याद रख लो, एक्सो प्लेयर प्लेस होल्डर। सो जस्ट रिमूव इट, एंड इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम बार, विच इज़ एक्सो प्लेयर 2, एंड विड्थ टू मैच पैरेंट एंड हाइट टू रैप कॉन्टेंट। ऑल राइट, एंड इसे सेम आईडी देना पड़ेगी हमें। सो आईडी
एंड एक्सो अंडरस्कोर प्रोग्रेस एंड दिस एक्सो अंडरस्कोर प्रोग्रेस प्लेस होल्डर, और वी कैन यूज एक्सो प्रोग्रेस सिंपली, एंड यहाँ से प्लस साइन हटा दो, विच मीन्स ये एक्सो प्लेयर की आईडी, और हमने कोई नई आईडी क्रिएट नहीं की है, सो एक्सो प्लेयर इसे इंटरनली हैंडल कर लेगा. एंड नाउ अब ये ओके, अब हमारे व्यू को देखते हैं एक्चुअल में. एंड अगर आप इस व्यू में देखोगे यहाँ पे प्रोग्रेस बार है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, एंड इसका अरेंजमेंट्स देखो, ये एक यहाँ पे, एंड उसके बाद एंडिंग वाले यहाँ पे, एंड बीच में एक कोलन है. सो इसे हमें फिलहाल डिज़ाइन करना है ओके. एंड मैं पहले इसे डिफॉल्ट टाइम बार को थोड़ा सा प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ. सो यहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हो वेरियस, सो कलर, एंड यहाँ पे बफर्ड कलर ऑप्शन है, विच मीन्स जो एरिया बफर हो चुका है उसका कलर क्या होना चाहिए, एंड उसके बाद जो एरिया प्ले हो चुका है उसका कलर क्या होना चाहिए, स्क्रबर का कलर कौन सा होना चाहिए. स्क्रबर मीन्स अ स्मॉल पॉइंटर आइकन जो आपके प्लेयर के साथ साथ मूव करती है. सो मैं स्क्रबर का कलर वाइट रखने वाला हूँ, एंड प्लेड एरिया का कलर भी मैं वाइट रखने वाला हूँ, एंड अनप्लेड एरिया जो है उसका कलर लेट से मैं ट्रांसपेरेंट वाइट रखना चाहता हूँ. सो किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट करने के लिए पहले उस कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखो, एंड आफ्टर दैट उस कलर के आगे आपको सिर्फ 80 ऐड करना है, एंड वो एक ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इट विल बी कन्वर्टेड टू अ ट्रांसपेरेंट कलर. एंड ऑल राइट, अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट में और सेट कर लेता हूँ, विच मीन्स कलर, एंड ये वाला बफर्ड कलर, ये भी ट्रांसपेरेंट वाइट ही चाहिए मुझे. सो हैशटैग 80FFFF, विच इज़ वाइट ट्रांसपेरेंट. एंड आफ्टर दैट मैं स्क्रबर की साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ जब यूजर उस पर क्लिक करे. सो स्क्रबर अनेबल्ड साइज 10 dp, एंड स्क्रबर डिसेबल्ड साइज 5 dp. एंड उसके बाद मैं इसे कुछ मार्जिन देना चाहता हूँ दोनों साइड से. सो लेआउट मार्जिन या मार्जिन हॉरिजॉन्टल लेट से 5 dp, नॉट मच ओके. सो हमारे ये डिफॉल्ट टाइम बार का काम हो चुका है. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वन ओके, एक्सो प्लेयर पोजिशन एंड एक्सो प्लेयर ड्यूरेशन. सो यहाँ से रिमूव दिस मार्जिन टॉप, एंड ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल इसे भी मैं हटा देता हूँ, एंड ऑल राइट. एंड यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट साइज 16 sp कर दूंगा, एंड जस्ट रिमूव दिस ऑल, एंड मैं इसे एक्चुअली वाइट रखना चाहता हूँ या जो भी कलर है. सो वाइट एंड ओके, एंड सेम विद दिस, इसे भी मैं 16 करना चाहता हूँ, एंड ये सारे रिमूव कर दो, एंड दिस टू वाइट ओके. अब मैंने कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट दे देता हूँ जिसे मुझे दिखाई दे. सो टेक्स्ट, एंड मैं चाहता हूँ लोडिंग, सिंस इट्स अ ड्यूरेशन सो लोडिंग टेक्स्ट. एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, ये पोजीशन है, सो ड्यूरेशन नाम का मैंने एक टेक्स्ट बना के रखा है जो 0-0 दिखाता है सिंपली ओके. सो ऐसा कुछ दिखने वाला है, बट यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं है. सो मार्जिन 10 dp, एंड सेम टू दिस वन, मार्जिन 10 dp ओके. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक बीच में कोलन होना चाहिए, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, एंड मैं इस आईडी को यहाँ से हटा देता हूँ. ऑल राइट, एंड यहाँ पे 16 sp, एंड बोल्ड एंड वाइट. एंड यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैंने सेमी कोलन करके एक टेक्स्ट व्यू बना रखा है. सो सेमी कोलन, एंड सिंपली एक कोलन ऐड हो जाएगा, बट ये कोलन यहाँ पे ऐड हुआ है ओके. सो मैं इसकी पोजिशन चेंज करना चाहूँगा. एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं मार्जिन वर्टिकल चाहता हूँ 10 dp, विच मीन्स टॉप से 10 dp का मार्जिन होना चाहिए. एंड ओके, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ इसे ओके. सो यहाँ पे बीच में प्रॉपरली दिख रहा है, एंड एक्चुअली हमारा प्रोग्रेस बार और ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करेगा. सो नाउ इसे एक्टिविटी प्लेयर में सेट करके चेक करते हैं. सो यहाँ पे यूज कंट्रोल्स की जगह पे कंट्रोल, यहाँ पे आप कस्टम कंट्रोल लेआउट सेट कर सकते हो, एंड विच इज कस्टम कंट्रोल व्यू ओके. सो यहाँ पे कस्टम कंट्रोल व्यू सेट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, दैट्स ऑल राइट. सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक हमारे व्यूज कैसे दिख रहे हैं.
सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड नाउ लेट्स से मैं किसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ एंड आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे सिर्फ एक प्रोग्रेस बार ही दिखाई दे रहा है क्योंकि एक्चुअली हमने सिर्फ वही ऐड किया था और हमने बाकी सब रिमूव कर दिया था एंड ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो भी ये वर्क कर रहा है एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा। एंड ये जो छोटी सी पॉइंटर आइकन आपको दिखाई दे रही है इसे स्क्रबर कहते हैं। सो आप उन 4 कलर्स के साथ टेस्ट करके उनके कलर्स चेंज करके ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इस समय हमारा व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड इन फ्यूचर वीडियो हम इसे और मॉडिफाई करने वाले हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।